खबर बैतूल के हंडिया से है, जहां तहसील में बनने वाली गौशालाएं पिछले 3-4 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गाय ठंड और बरसात में सड़कों पर घूम रही हैं। बताया जाता है कि सन 2019-20 में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नव निर्माण के लिए ना तो एजेंसी ने कोई तत्परता दिखाई और ना ही संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कोई हाल जाना। आलम यह है कि हंडिया तहसील क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण अधूरा पड़ा है। सूत्रों की माने तो हंडिया की गौशाला को निर्माण एजेंसियों ने चारागाह बना डाला है। यहां आज भी समतलीकरण के नाम पर पहाड़ी को भयावह गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गौशाला को आरंभ कराने के संबंध में अनेकों मरतबा ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास जरूर किया, लेकिन असफल रहे। आज हम गौशाला में आए हैं, देख रहे हैं कि इसका जो गौशाला है इसका कार्य 2018-19 में प्रारंभ हुआ था, जिसका भूमि पूजन माननीय मंत्री महोदय कमल जी पटेल द्वारा किया गया था। इसमें 22 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसका काम हो चुका है 22 लाख का। उसके बाद भी सत्य से जिसका काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, प्रशासन और ग्राम पंचायत नहीं दे रही इस ओर ध्यान। तो यहाँ पर जो गौशाला है खंडर होती जा रही है, साथ ही यहाँ पर उत्खनन हो रहा है जो अवैध।